Hello, my dear students. I am Miss Rajinder here. How are you all? I hope all of you are fit and fine and safe in your homes. Students, as we know that we have done our previous chapters in our offline classes, today we will discuss lesson number 14th of reader book, title is Secrets. जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले चैप्टर्स हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कर चुके हैं, तो आज हम इस ऑनलाइन वीडियो के थ्रू हमारे रीडर बुक के लेसन नंबर 14th, जिसका टाइटल है सीक्रेट्स, की रीडिंग करेंगे. लेट्स गोइंग. इफ यू गेट अ मैजिक पेंसिल दैट कुड मेक एवरीथिंग दैट यू ड्रॉ बिकम रियल, व्हाट वुड यू ड्रॉ? अगर आपको कोई ऐसी जादुई पेंसिल मिल जाए कि जिसके साथ जो भी चीज़ आप ड्रॉ करो वो रियल बन जाए, तो आप क्या ड्रॉ करोगे? तो जो भी चीज़ आप रियल बनाना चाहते हैं तो उसको आप ड्रॉ करोगे, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ का नाम लिख देना है. तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको पता चलेगा कि कैसे एक रेहान नाम का लड़का बहुत ही अच्छा पेंटर बन गया. उसके इस पेंटर बनने के पीछे, उसकी अच्छी पेंटिंग्स के पीछे क्या सीक्रेट था, वो हम इस लेसन के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, रीड टू अंडरस्टैंड. डू यू वॉन्ट टू फाइंड आउट What Rehan does with the magic pencil and rubber he got under the banyan tree? तो क्या आप इस बात को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि रेहान को जो मैजिक पेंसिल और रबर बनियान ट्री के नीचे मिली थी उसके साथ उसने क्या किया? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी स्टार्ट अवर रीडिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 14 सीक्रेट्स. इट वॉज अ टेरिबल डे एट स्कूल फॉर रेहान. टेरिबल मीन्स भयानक. तो स्कूल में रेहान के लिए ये एक बहुत ही भयानक दिन था. ही गॉट एवरी सिंगल सम रॉन्ग. रॉन्ग मीन्स गलत. दैट मॉर्निंग, उस सुबह उसका हर एक सम जो था वो गलत हो गया था. ही ड्रॉप्ड इंक. ड्रॉप्ड मीन्स गिराना. अ इंक बॉटल, बॉटल ऑफ एन इंक ऑन द फ्लोर एंड इट्स स्प्लैश्ड ऑन हिज टीचर्स वाइट कैनवस शूज. उसने इंक की, स्याही की एक बॉटल, फ्लोर मीन्स फर्श, फर्श के ऊपर गिरा दी और ये जो इंक थी उसके टीचर के वाइट शूज़ के ऊपर जाके गिर गई. इसके जो छींटे थे वो उसके टीचर की वाइट कैनवस शूज़ के ऊपर जाके गिर गए और उसके टीचर के शूज़ गंदे हो गए. देन ही मेड अ फेस बिहाइंड हिज टीचर्स बैक. तो फिर उसने क्या किया कि जैसे ही उसने अपने टीचर के पीछे मुंह बनाना शुरू किया, इट वॉज नोटिस्ड. तो टीचर ने उसे क्या किया, नोटिस कर लिया. सो ही हैड टू बी पनिश्ड. अब वो टीचर की ओर मुंह बना रहा था तो ऑब्वियस ही बात है उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही. उसे पनिश्ड किया जाना था, दंडित किया जाना था. हेयर टेक दिस लेटर टू योर फादर. तो उसके टीचर ने कहा इधर आओ, इस लेटर को अपने फादर के पास लेके जाओ एंड गो होम, और घर चले जाओ, सेड हिज टीचर, उसके टीचर ने बोला. आफ्टर राइटिंग अ लॉन्ग एंड एंग्री लेटर, एक लंबा सा और गुस्से वाला लेटर लिखने के बाद उसके टीचर ने बोला कि अब इसको अपने पापा के पास घर ले जाओ. लेट हिम पनिश यू वेल, वो भी तुम्हें अच्छी सजा देंगे. रेहान पिक्ड अप हिज बुक्स. पिक्ड अप मीन्स उठाना, उठाया. एंड वॉक्ड आउट ऑफ द स्कूल यार्ड अप द नैरो. नैरो मीन्स तंग, सिटी लेन. तो रेहान ने अपनी बुक्स उठाई और स्कूल से बाहर गया शहर की तंग सी गलियों में. बट वंस ही रीच्ड बिग बनियान ट्री ही सैट डाउन इन इट्स शेड एंड सोब्ड अ लिटल. लेकिन जब ही वो एक बड़े से बनियान ट्री के पास पहुंचा, ही सैट डाउन, वो उसके नीचे बैठ गया. इन इट्स शेड, शेड मीन्स छाया. एंड सोब्ड, सोब्ड मीन्स सिसकना. अ लिटल विथ एंगर, तो वो बनियान ट्री के नीचे उसकी छाया में बैठ गया और गुस्से में सिसकियाँ लेने लगा, सिसकने लगा. ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट हिज सम्स राइट ऑल दो ही हैड ट्राइड. वो फिर भी अपने सम्स अच्छे से, सही तरीके से नहीं कर पाया, चाहे कि उसने इनको करने के लिए ट्राई किया था, कोशिश की थी. ही हैड ड्रॉप्ड द बॉटल ऑफ इंक बाय एक्सीडेंट. तो वो जो ड्रॉप की थी उसने इंक की बॉटल, वो भी उसने जानबूझकर नहीं की थी, बाय एक्सीडेंट हो गई थी, अपने आप हो गई थी. Perhaps it was a wrong to make a face. हाँ, वो इस चीज़ को मानता था कि जो उसने टीचर की तरफ फेस बनाया वो गलत था. But how could he help it when the things were going so badly? लेकिन वो इससे कैसे बच सकता था जब सुबह से सारा कुछ ही जो था इतना बुरा बुरा हो रहा था.
नाउ ही वॉज अफ्रेड टू गो होम, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, एंड द लेटर टू हिज फादर, हैंड द लेटर टू हिज फादर, लेकिन अब उसे घर जाने से डर लग रहा था और इस लेटर को अपने फादर को देने में भी वो डर रहा था. सो ही हिड, हिड मीन्स छुपना, इन द फोल्ड्स ऑफ ट्रीज ट्रंक, ट्रंक मीन्स तने, एंड पोक्ड, पोक्ड मीन कुरेदना विद अ स्टिक एट द सीड दैट हैड ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, सीड मीन्स बीज. तो अब वो पहले तो उसने क्या किया कि वो ट्रीज के तनों के पीछे छुप गया और उसके बाद जो ग्राउंड के ऊपर सीड खिलरे हुए थे, बिखरे हुए थे, बीज बिखरे हुए थे, उनको एक स्टिक के साथ कुरेदने लगा. He was so angry and afraid that he poked and yoked with the stick and dug a quite deep hole in the dust. वो इतना ज़्यादा डरा हुआ और गुस्से में था कि वो तब तक कुरेदता रहा जब तक धरती में उसने एक बड़ा सा होल ना बना लिया हो, एक बड़ा सा सुराख ना बना लिया हो. Suddenly he found a little grey lump. Lump means गांठ of rubber in it. तो अचानक से उसे क्या मिला, उसको रबर की एक गांठ मिली इस होल के अंदर से. ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया एंड रोल्ड इट बिटवीन हिज फिंगर्स, और अपनी फिंगर्स के बीच में घुमाया. आई विश इट वर अ मैजिक रबर, तो उसने कहा कि मैं ये विश करता हूँ कि काश काश ये एक मैजिक रबर होती, जादुई रबर होती. ही सेड आई वुड रब आउट द होल स्कूल लाइक दिस लाइक दिस, तो उसने बोला कि अगर ये एक जादुई रबर होती तो मैं पूरे स्कूल को रब कर देता, इरेज कर देता. देन ही स्टेप्ड आउट टू लुक डाउन द लेन एट द बॉयज स्कूल दैट स्टूड एट द एंड ऑफ इट एंग्रीली रब्ड एट द एयर विद द रबर. तो जब उसने अपना मुंह घुमाया और आंखें बंद करके उसने स्कूल को हवा के अंदर स्कूल की तरफ फेस करके वो क्या करने लगा, रबर से इरेज करने लगा. द मोमेंट ही डिड दैट, जब वो ये कर रहा था, समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड, कुछ बहुत ही स्ट्रेंज सा हुआ, कुछ बहुत ही स्ट्रेंज सा हुआ. द स्कूल वैनिश्ड, वैनिश्ड मीन गायब हो जाना, जो स्कूल था वो गायब हो गया. ही हैड रियली रब्ड इट आउट, उसने सच में इसे रब कर दिया था, इरेज कर दिया था. देयर वॉज अ नो वाइट स्कूल बिल्डिंग, अब कोई भी स्कूल की वाइट सी बिल्डिंग नहीं थी. नो डस्टी प्लेग्राउंड, ना ही प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा था. नो हाई ग्रे वॉल, ना ही ग्रे कलर की वॉल दिखाई दे रही थी. वॉल मीन्स दीवारें. नॉट अ सिंगल स्कूल बॉय, ना ही कोई स्कूल का एक बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा था. देयर वॉज जस्ट अ स्क्वायर ऑफ बेयर ब्राउन अर्थ बिटवीन द अदर बिल्डिंग्स, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में स्कूल की खाली भूमि ही दिखाई पढ़ रही थी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा. आपको क्या करना है, एज अ होमवर्क आपको इसकी रीडिंग करनी है, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आपको मेरे से पर्सनली कॉल करके क्लियर कर लेनी है. तो कल हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ. तब तक के लिए आप अपना अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करते रहें. ओके, थैंक यू.